पार्टी को आवाज है और पार्टी को भी राज्य इसने हमारे 13 जून या 12 जून को होने वाले मीटिंग में फैसला किया था कि हम 13 जुलाई क्रांतिकारी करेंगे और 13 अगस्त को और जो मैं राज्य के लेकर करेंगे। उसके बाद इतफाक को मुझे दिल्ली जाना पड़ा और मुझे वहाँ कहीं ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा और जहाँ भी मैं 2 दिन मेरे ऑफिस आया और एमरजेंसी पेशर जी में तमाम सरबराह थे गाइड की मैंने जाने तौर पर बल्कि एक साल को 3 दिन का तक फोन किया कराची साहब को लंदन में पकड़ा बारिश साहब को क्रिकेट में पकड़ा दूसरे खालिद इब्राहिम साहब को लाहौर में पकड़ा इसी तरह पे उस गाड़ी वालों को मुस्लिम मोहम्मद के दोनों ग्रुपों के सरबराहों को और दूसरे वालों को भी लेकिन खालिद इब्राहिम साहब भी अपने एक लाइन पर हो गई थी। कल और आज उनका कोई ऐसा अपॉइंटमेंट थी उसको कांग्रेस आएंगे और उनके मानी मेरे नजदीक मेरे दादी नजदीक या मेरे जंजीवी नजदीक सबसे बड़े मुखालिफ नजर अब कहते कि बनेगा बहुत नुकसान वो कहते कि आगे पाकिस्तान का हिस्सा है एकदम आजाद होने के बावजूद उनका एहसास रहता है कि वो हम दोनों देश इसलिए उनके तरफ से खालिद इब्राहिम की तरफ से ये मलाहत करूँ कि उनकी एक्शन का ये जायज और उनकी वजह आज के बिना के फर्ज की अदायगी के बाद मेरे ख्याल में हमारा फर्ज है इसमें सियासी कानूनों की है कि हम मौजूद हालात का भी जायजा लें इनका रुख क्या है इनकी सिमत का हाथ क्या है इनका कबूल किला कहाँ से आपको मिलता है और इनके अंदर मामला क्या है। पहली बात तो ये है कि जिस मौसम पर ये हमारी ये तंजीम बनी है आपको बहुत राज्य इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पूरे 40 साल के दौरान तकरीबन 40 साल के दौरान जितने भी मुजाकरात हुए हैं उनमें से किसी एक में भी कश्मीर का हक होगा का कोई नाम नहीं है कोई जिक्र नहीं यहाँ तक कि कश्मीरी को मगर कश्मीर का फर्श भी नजर नहीं किया जा ये सूरत हाल हो तो फिर ये मुजाकरा करने वालों से क्यों मिलेगा। ये मुजाकरा जो हो रहे थे उसमें 2 दिन पहले मेरा वॉइस ऑफ अमेरिका पर एक इंटरव्यू हो रहा था वहाँ वहाँ भी ये मौजूद था कि अब जो मुजाकरा हो रहे हैं जिसके बारे में आप पहचान है तो मैंने उस समझ के यही कहा था कि ये एन एक्सरसाइज छोटी मिली बेकार की एक एक्सरसाइज करवाई है कश्मीरी जवान में इसको आप मंजूर कहते हैं वो उदार के थे तो उस वक्त हमने कहा था हम कल भी कहते थे कल परसों भी कहते थे आज भी कहते हैं और कल भी आने वाले कल पर भी जाएंगे एक मुजाकरात का कोई बात नहीं ये वापस आया करने का बेहतरीन तरीका निकाला है इंडिया ने और उन लोगों ने पाकिस्तान के उन लोगों ने जो इस कश्मीर को पक्का पक्का देखना नहीं चाहते बदकिस्मती से मुझे लोग पाकिस्तान में कभी एक शक्ल में कभी दूसरी शक्ल में कभी तीसरी शक्ल में और सरकार आते रहे और आयदा भी आते रहेंगे जो ट्रेंड है पाकिस्तान की सियासत की उसका यही है आयदा भी यही लोग शक्लें बदलने वाले साथ में आकर रहेंगे इसलिए हमें इनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखती। लेकिन जब हम अपने घर में हाथ रखते वहां से भी कोई खुशबू नहीं आती वहां से भी बड़ी कोई अजीब सी वो आती हमारी लीडरशिप में जिसने मैं तो लीडर के नाम समझता हूँ लेकिन इस सबसे लेवल में और उस कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि एक संजय की सफाई मिलने के लिए जो पड़ी हुई है हमारी जो लीडरशिप है कश्मीर की बाल वाले इधर वाले माते की आज की और शायद हो सकता है आने वाले की लीडरशिप भी ऐसी हो तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि
अपने दिमाग में एक तजिया किया है कि हमारी गुलामी के जिम्मेदार कौन कौन से लोग, कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन सी ताकतें हैं जो जिन्होंने हमें हम क्या कर सकते गुलाम, लेकिन जो गुलामी रहती है आइए हमारे हिस्से में आइए, उसकी जिम्मेदारी किस पर आए होगी। और मैंने पूरी हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली पोलिटिकली एनालाइज करने के बाद नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी गुलामी की जिम्मेदारी 30% इंडिया पर, 20% पाकिस्तान पर, 10% इंटरनेशनल कम्युनिटी पर और 40% पाकिस्तान के होना पड़ी करेंगे तो उनके मुताबिक खुद उनकी पार्टी या पाकिस्तान के मोहमान भी इंडिया के हुक्मरान भली कुछ करेंगे तो इंडिया के मोहमान भी हो, लेकिन हमारे हुक्मरान हमारे लीडर हमारे क्या करते हैं कुछ पाकिस्तान की जेब में बैठे हैं, कोई वाले इंडिया की जेब में बैठे हैं, कोई उधर वाले इधर वाले की जेब में बैठा है, कोई इधर वाला उधर वाले की जेब में बैठा है, दोनों की जेब में बैठे हैं, दोनों को बैठे हैं। ये है हमारी कयादत का हाल। और इन हालात में जाहिर तौर पर हमें एक बहुत ही सारी मुस्तक नजर आ रहा है, देखिए मुझे मानता हूँ यकीन से कहता हूँ हमें नमूमन छह चीजें पर डिपेंड किया है, बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिनके बारे में कोई काम नहीं होता। मैंने सोचा इस काम ऐसे कि जिस पर मेरे बहुत बहुत दोस्तों ने पाया अपना पागल हो गया, तो पागल करा दिया मैंने, सिर्फ 15 रुपये मेरे जेब में थे, उस शेयर उस 15 रुपये से खून चलाने का प्रोग्राम बनाया और क्या बना मेरे तमाम साथियों ने कहा अपना पागल हो गया, लेकिन उसी स्कूल में जो मैंने छठी है ये हुकूमत स्टार्ट किया था उसने मुझे अपनी जिंदगी में जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल रही है वो है स्कूल का। वैसे स्कूल के जरिए ऐसे काम करता था लोग इसी स्कूल के माने इसी तरह सियासत में आना तहरीक आजादी में आना बाकी तौर पर लेकिन मेरे एक उस्ताद ने जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो उस वक्त स्कूल पर गया तो वहाँ से स्कूल पर इंसान की जिंदगी में एक बार आता है, एक से ज्यादा बार आ जाए आना होता है उसमें, तो एक जवाब वो ड्राइवर का होता है, एक जवाब लेकिन एक सामने चार पांच रास्ते और साथ ही एक और रास्ता है इंसान को मिलता है भगवान प्रेम के एक भगवान के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हर तरफ अंधेरों के बावजूद पाकिस्तान की अपनी मजबूरी है, पाकिस्तान के लाहौली जो कुछ भी है वालों को फायदा करने वाले और इंडिया रही हमारा इंटरनेशनल लेवल पर नाम की कोई चीज नहीं है। इन हालात में कटोर नजरे के अलावा क्या जरूर कहती है इंशाल्लाह 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 हमें आजादी मिलेगी और फिर करेगी।
इसका कोई नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान मस्जिद इंसानों के मस्जिद कौम के किरदार अदा करें और अपने वही माते मिलने चले वो तो उन्होंने किए थे पाकिस्तान ने बैठ जाते हैं वो दोनों कॉमन मिलकर और वादे पूरे कर पूरी तरह मान लो रहा हो सकता है लेकिन वो कॉलोनी का रीजन बहुत बड़ा दानेश्वर के उसने कहा मेरे जो प्लान था उसके बारे में क्या जैसे ही प्लान है आप आए लेकिन आपको आसानी से मिल जाएगा नहीं मैंने कहा क्यों आपके पास